वेस्ट मटेरियल यानी कबाड़ में ढेर सारी लहसुन आज मैं उगाने का तरीका बताऊंगी और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। लहसुन को कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना धूप चाहिए, सारी चीजें आज आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस टाइम पे लहसुन लगाना चाहिए। तो मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक आप लगा सकते हैं। कभी भी इसके बीच में लगाइए क्योंकि इस टाइम में ना थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है, तो इस टाइम में लहसुन लगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको लगाने का, तो किस तरह का लहसुन लगाना चाहिए। जो मोटी मोटी गांठे होती है ना, इस तरीके का लहसुन ही हम लगाएंगे। अगर जो बहुत पतली वाली छोटी वाली लगाएंगे ना, तो उसकी गांठे बहुत ही छोटी और अच्छी नहीं बनेंगी। तो थोड़ी मोटी लेंगे तो बहुत ही अच्छी गांठे बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसे फटाफट लगा देते हैं और इसकी ग्रोथ का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैं लहसुन इस कबाड़ में यानी वेस्ट कंटेनर में मैं लगा दी थी, और ये जो दूध डेयरी वाले होते हैं ना डब्बे, उसी में मैं यहाँ लगाई हूँ और बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और ये डब्बा इसके लिए तो वेस्ट है, बहुत ही आसानी से इसमें ग्रो भी हो जाता है। और ये लगाने के 8 से 10 दिन का बाद का रिजल्ट है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी फास्ट है। अब मिट्टी की बात कर ले तो कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, तो मिट्टी हमें 50% चाहिए, तो खाद भी मुझे 50% चाहिए। 50-50% का रेशियो लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लहसुन आपकी ग्रो होकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए और 50% काउ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप लिप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और इसकी टाइम टू टाइम गुड़ाई भी करनी होती है। जितनी गुड़ाई कीजिएगा ना उतनी जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और लहसुन की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि इसमें घास नहीं होने देना है। गुड़ाई करते रहिएगा ना तो इसमें किसी तरह का घास यानी वीड्स नहीं उगेगा और बहुत ही हेल्दी पौधा हमारा बनकर तैयार होगा। जब पौधा हेल्दी रहेगा तभी तो लहसुन की गांठें अच्छी बड़ी बनेगी। और ये लगभग 70 डेज का रिजल्ट है, कितना अच्छा मिल रहा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी इसकी चल रही है। इसकी जो स्टेम होती है ना वो भी मोटी मोटी हो गई है। अब कर लेते हैं पानी की बात। तो पानी गुड़ाई करने के बाद 1 से 2 दिन तो बिल्कुल ही इसे छोड़ दे ताकि जड़ों तक अच्छे से ऑक्सीजन मिले और ग्रोथ इसकी अच्छी हो। तुरंत में गुड़ाई करने के बाद पानी दे दीजिएगा ना तो जड़े तक इसकी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और फिर ग्रोथ इसकी रुक जाती है। इसीलिए इसकी गुड़ाई लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक में 3 बार करते हैं तो बहुत ही अच्छी होती है। 3 से 4 बार आप जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप कर सकती हैं। ये रिजल्ट है 1 से 30 डेज का रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लहसुन हमारा तैयार भी हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं धूप की। तो धूप इसको 5 से 6 घंटे की चाहिए। अगर बालकनी में 5 से 6 घंटे की धूप आ रही है, छत पे आ रही है, तो बहुत ही इजिली ग्रो हो जाएगा। 1 से 2 घंटे की धूप अगर आपके यहाँ आती है तो लहसुन ग्रो नहीं होगा। हाँ, उसके आप पत्ते जरूर यूज कर सकते हैं, रेगुलर सब्जी में डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, उसका पत्ते आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो गांठे बनेगी ना वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि धूप ही जब 1 से 2 घंटे लगेगी तो क्या ही बनेगी। और ये है रिजल्ट 170 डेज का, बहुत ही अच्छा लहसुन हमारा बनकर तैयार हो गया है। 170 डेज हो गए हैं, लगभग 6 महीने, लेकिन पके नहीं है। 190 डेज का रिजल्ट है और लहसुन की सारे पत्ते सूख गए हैं। हाँ, कुछ पत्ते भले ही हरे हैं लेकिन सारे ही सूख गए हैं और ये निकलने का टाइम भी हो गया है। ये मार्च का महीना है, मार्च में तो अच्छी खासी गर्मी भी होने लगती है ना, तो ये लहसुन भी हमारी बनकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। और सभी को मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से खुदाई कीजिएगा ना तो फिर वो अच्छी तरीके से पूरी गांठें ही निकल जाएगी। देखिए, वाह क्या रिजल्ट निकला है, बहुत ही अच्छा लहसुन हमारा बनकर तैयार हुआ है और कितनी बड़ी गांठें बनी हैं। जब पत्ते सूख जाते हैं ना तभी हमें पता चल जाता है कि लहसुन का हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आप भी छत पर, बालकनी में या फिर आपके यहाँ गार्डन हो तो लॉन में, आप कहीं भी आप इसको उगा सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी पत्ती थोड़ी हरी है लेकिन निकालने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं अब निकाल रही हूँ। अगर जो इसको छोड़ देंगे ना तो इसकी गांठे थोड़े दिन के बाद, जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो थोड़े दिन के बाद इसकी गांठे खुल जाती हैं, वो बिखर जाती हैं, तो अच्छी लहसुन बनकर तैयार नहीं होती, वो थोड़े दिन में ही सूख जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए जब टाइम हो जाए, ये मार्च का महीना है, इस टाइम पे इसे जरूर उखाड़ लें और बहुत ही अच्छी आपको पैदावार मिलेगी।
जितना आपको यूज करना हो ना उतने ही पत्ते से अलग कीजिए, बाकी पत्ते के साथ ही बांधकर उसे रख दीजिए, तो आप सालों साल लहसुन को यूज कर सकती हैं, आपका लहसुन कभी खराब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसी तरीके से सारे लहसुन मैं यहाँ निकाल कर रख दी हूँ और आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये घर में उगाया हुआ लहसुन है या आप मार्केट से खरीद कर लाए हैं, लेकिन आप घर में जब उगाते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। कितनी अच्छी से ये तैयार हो गई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कंटेनर में या किसी भी डब्बे कवाड़ से जुगाड़ में किसी तरीके से मैं आप उगा लीजिए, आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।